आपको जन्म कोई और देता है, आपका नामकरण किसी और ने किया, आप जिसे अपना धर्म, जाति या वर्ग कहते हैं, इसे भी किसी और ने ही आपको दिया है, तो आपका इस धरती पर अपना क्या है? बने रहिए हमारे साथ एवं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज दुनिया में लोगों में एक दूसरे के प्रति नफरत अपने चरम पर है। जब यह नफरत बाहर आती है तो यह इंसानियत को शर्मसार कर देती है। हम आए दिनों ऐसी घटनाओं को देखते हैं जिसमें कहीं आत्मघाती हमले तो कहीं किसी विशेष धर्म के नाम पर लोगों में नफरत फैलाई जाती है। इन सब का कारण है धर्म। क्या हो अगर दुनिया से धर्म पूर्ण रूप से गायब हो जाए, तो क्या ये सब मसले बंद हो जाएंगे? लोगों की सोच पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर लोग एक दूसरे से कैसा व्यवहार करेंगे? दोस्तों, हम मनुष्यों में एक खास तरीके की इच्छा होती है सब कुछ जानने एवं समझने की, जिसे एक नया टर्म दिया जाता है, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी इवोल्यूशन की देन है, जिसने हम मनुष्यों को दूसरे प्राणियों से अलग बनाया। हमारा दिमाग हर चीज को जानना चाहता है, और इस प्रक्रिया में अगर वह कुछ पहलुओं को नहीं समझ पाता तो वह इसे अज्यूम कर लेता है। जैसा कि क्रिएशन, हम नहीं जानते हमें किसने बनाया, वह इस विशाल ब्रह्मांड में कहाँ रहता है, तो हमने यह मानना शुरू कर दिया इसकी रचना एक ऐसे व्यक्ति ने किया है जो हमसे परे है, जिसे हम भगवान, गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु इत्यादि के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी यह दावा करती है, हमारा दिमाग भगवान को मानने के लिए एवॉल्व हुआ है, और यह कहना गलत नहीं होगा। इसी कारण से हम मनुष्य एक दूसरे के करीब आए, एवं इसी ने ही हमें हजारों सालों तक बचाए रखा। अगर हम दूसरे पहलुओं पर नजर डालें, तो अगर दुनिया में धर्म का वजूद खत्म हो जाता है तो हम मनुष्यों में एक कमी सी रहेगी, अपने आप को जानने की, अपने आप को किसी से जोड़ने की, अपना सुख दुख बांटने के लिए। हमें अपने अंदर कमी खलेगी, जिसकी तलाश स्वाभाविक है। हम इसे साइंस के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से हमारी साइंस कई गुना अधिक तेजी से तरक्की करेगी। किंतु हमारा विज्ञान इतना उन्नत नहीं है कि यह हमारे हर सवाल का जवाब दे पाए, एवं हम फिर कुछ नया एज्यूम करना शुरू कर देंगे जो पिछले बिलीफ सिस्टम से काफी अलग होगी, जिसमें काफी कुछ साइंटिफिक थ्योरीज पर आधारित होगा। दरअसल अगर मैं कहूँ साइंस एवं धर्म में बस एक कण भर की दूरी है, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? इसे थोड़ा समझ लेते हैं। धर्म के माध्यम से हम अपने प्रकृति के व्यवहार को समझना चाहते हैं, लेकिन हम इसकी खूबसूरती एवं महक में इतने खो जाते हैं कि हमें लगने लगता है इसे किसी दिव्य शक्ति ने बनाया है। हम इसके पीछे चल रही साइंटिफिक गतिविधियों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग यह महसूस करने लगता है कि यह इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसकी रचना अपने आप से नहीं हो सकती। कई धर्म प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन को नहीं मानते। वह इसलिए एवोल्यूशन को नहीं मानते क्योंकि इंसानी शरीर धरती की एक सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है। हमारे दिमाग में लगभग खरबों न्यूरॉन्स है, जो हर समय हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों से जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। वैज्ञानिक अभी इसे समझ नहीं पाए हैं। उनके लिए हम अपने आप से किसी और जानवर से इवॉल्व नहीं हो सकते। विज्ञान कभी दिव्य शक्ति होने का दावा नहीं करता, क्योंकि उनका मानना यह है कि ब्रह्मांड में हर एक चीज एक पैटर्न फॉलो करता है। विज्ञान हमेशा इवॉल्व होता रहता है, वह बेहतर से और बेहतरीन होना चाहता है। लेकिन कई धर्म तो एवोल्यूशन से भागते नजर आते हैं, वह आज भी हजारों साल पीछे चल रहे हैं। डेली न्यूज में छपे इस लेख के मुताबिक, आप जितने ज्यादा बुद्धिमान हैं, आप भगवान पर उतना ही कम विश्वास करते हैं, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा तर्क करता है। वह अपने आसपास मौजूद चीजों को साइंटिफिक तरीके या फिर तर्क के माध्यम से समझना चाहता है। क्या आप भगवान पर विश्वास करते हैं? तो मैं फिर से दोहराता हूँ, आपका शरीर आपका अपना नहीं, इसे किसी और ने दिया, आपका नामकरण किसी और के द्वारा किया गया, और जिसे आप अपना जाति, धर्म या वर्ग कहते हैं, वो भी आपका अपना नहीं, आप यहाँ हैं। यह तस्वीर इवेंट होराइजन द्वारा ली गई आखिरी तस्वीर है, और मजे की बात तो यह है, इसे सोलर सिस्टम के आखिरी छोर से लिया गया है, और हमारा वजूद बस एक छोटे से पॉइंट इतना है। अगर आप अपनी तुलना आकाशगंगा से करते हैं, तो हमारा सोलर सिस्टम यहाँ दिखाई भी नहीं पड़ता। चलिए थोड़ा और दूर चलते हैं। इस विशाल गैलेक्सी के समूह को लोकल ग्रुप कहा जाता है, जिसमें 47 गैलेक्सीज होती हैं, जो 10 मिलियन लाइट ईयर्स में फैला है। द सुपर क्लस्टर यह 110 अरब प्रकाश वर्ष में फैला है, जिसमें लगभग 100 लोकल ग्रुप समाये हैं। और हम बात करें हमारे ब्रह्मांड की, तो यह 93 खरब प्रकाश वर्ष में फैला है, जिसका आज भी विस्तार हो रहा है। इसमें करीब 100 खरब सुपर क्लस्टर समाये हुए हैं। हम इतने बड़े ब्रह्मांड में क्या और कहाँ हैं? हमें तो हमारी आकाशगंगा भी नजर नहीं आती। हम इतने विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से सोलर सिस्टम में रहते हैं, जो आज विलुप्त भी हो जाए तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ हमारे धर्म, जाति एवं वर्ग में बटे हुए हैं। हम एक दूसरे को इसलिए अपमानित करते हैं क्योंकि हम अपने आप को दूसरे धर्मों से बड़ा साबित करना चाहते हैं। इस विशाल ब्रह्मांड में आपका अपना कुछ नहीं है, यह सब आपको किसी और ने दिया, चाहे वह आपका नाम हो या फिर आपका धर्म। हम इस ब्रह्मांड में एक इंसान के रूप में आते हैं, जो
जो धर्म एवं जाति से परे है, और हमें इस ब्रह्मांड को एक इंसान के रूप में अलविदा कहना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो बीट ऑफ साइंस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, हमें फॉलो करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।